बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अभी उरमाड़ा वो कंटोनमेंट बोर्ड है उसके दफिस के सामने मेन रोड पे पीछे नेवी का जीटी का मेन गेट है के सामने खड़ा हूँ। जो मैं कहता था कि हम बलूचिस्तान में अपनी सरजमीन पे मुसाफिर हैं, हमें अपनी शनाख्त देना पड़ता है, हम अपने मुल्क में हमें शनाख्त करना पड़ता है, अपने मुल्क में हम मुसाफिर हैं जब हम कहते हैं, ये कोई जज्बाती नारा या जज्बाती बात नहीं है। हम अपने ही सरजमीन पे मुसाफिर की तरह इजाज़त हमें मिलती नहीं है। आज उरमाड़ा में जो ये पूरे साहली पट्टी में अलर्ट है कि माहीगीर समंदर ना जाएं और माहीगीरों को उरमाड़ा के माहीगीरों को नुकसान हुआ है, तूफ़ानी लहरें तूफ़ानी समंदर की तूफान आया है तो यहाँ लांच जेटी पे टूट फूट का शिकार हो गए। मैं अपने माहीगीरों से मिलने आया हूँ कि माहीगीरों से अहवाल करूँगा, अपने माहीगीरों से मिलूँगा, मुझे मिलने नहीं दिया गया कि अंदर कोई ऑपरेशन चल रहा है, कोई मसाइल है मुकाम से और मुझे मिलने, मतलब अपने ही मुल्क में अपने ही इलाके में अपने ही माहीगीरों से अपनी सरजमीन पे भी वहाँ मिलना मुश्किल है, मुलाकात मुश्किल है, आप मुलाकात नहीं कर सकते। ये कितनी ज्यादती की बात है, कितना जुल्म है, कितना जबर है कि आप अपनी सरजमीन पर अपने ही मुल्क में अपने ही इलाके में आप अपने ही माहीगीरों से आप मुलाकात नहीं कर सकते। इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। क्या ये किसके लिए है? ये जेटी माहीगीरों के लिए नहीं है? माहीगीरों से उनके मुश्किल मालूम नहीं कर सकते? हम माहीगीरों को नुकसान हो, इसका लांच टूटा है, मैं उसके पास जाके हमदर्दी नहीं कर सकता, उससे मुलाकात नहीं कर सकता? मैं ग्वादर से आया अपने माहीगीर से मिलने के, ये नुकसान हुआ है, माहीगीर मुतासर है, मैं अपने माहीगीरों से मिलूंगा, जो मदद कर सकता हूँ करूँगा, जो हमदर्दी कर सकता हूँ वो करेंगे। माहीगीरों से ना मिलने देना। एक शजर एक ममनुआ इलाके हैं, इलाके गैर हैं, जैसे अपनी सरजमीन पे आप हम मुसाफिर हैं, हमारी सरजमीन पे ऐसे इलाके बनाए गए जहाँ हम जा नहीं सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, तो इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। इंशाल्लाह मैं इसलिए वापस हुआ, मैं अंदर नहीं जाऊँगा, फिर माहीगीर खुद आए, माहीगीर खुद आ रहे हैं मुलाकात के लिए। तो ये इसलिए जो मैं कहता हूँ कि हम मुसाफिर हैं, बाहर से लोग आए हमारी सरजमीन पर, हम मुसाफिर हैं, हमें बलोच जितने मुसाफिर हैं, जितने बलूचिस्तान में मुसाफिर हैं उनकी सरजमीन नहीं है, वो अजनबी हैं, मुसाफिर हैं, यहाँ उनको घूमने की इजाज़त नहीं है, मिलने की इजाज़त नहीं है, हम गुलाम हैं, हम कॉलोनी में रहते हैं, सूबा नहीं है, कॉलोनी है। जो ये हम बार बार कहते हैं, इसकी वजूहत हैं, इनके असबाब हैं, इसके हकायक हैं, ज़मीनी हकायक हैं, हम ये कहते हैं, हम ये गलत नहीं कहते, कोई सियासी बयान नहीं है, बिल्कुल रोज़ाना इसका हमें रवैया देखा जाता है, रोज़ाना हमारे साथ यही फेस होता है, रोज़ाना हम ये तरीके ये मसाइब झील रहे हैं, रोज़ाना हमें दिन दहाड़े रोज़ाना ये बता रहे होते हैं कि सरजमीन तुम्हारी नहीं है, तुम मुसाफिर हो, तुम गुलाम हो, तुम कॉलोनी के रहने वाले हो। इसलिए मैं आज उरमाड़ा में आया कि जीटी जाकर अपने माहीगीरों से मिलो। देखिए जाहिर है हमारे आकाओं ने, ये उनका उरमाड़ा ग्वादर, उनका बलूचिस्तान, उनका आकाओं ने मिलने नहीं दिया, फिर माहीगीर अभी सब खुद आ रहे हैं, तो चलो मैं अंदर नहीं गया लेकिन माहीगीरों से मिलूँगा। जो नुकसान या माहीगीरों को हुआ है, हुकूमत की जिम्मेदारी है नुकसान का अजाला करे, या जिसका लाश टूटा है उसके नुकसान का अजाला करे, तूफान से जो माहीगीर मुतासिर हुए हैं हुकूमत की जिम्मेदारी है उनके नुकसान का अजाला करे। लेकिन ये इंशाल्लाह फिर हम अजम करते हैं कि बलूचिस्तान हमारा है, ये सरजमीन हमारी है, ये साहिल हमारा है, ये वसाइल हमारे हैं, इंशाल्लाह इसके हुकूक के लिए हम जद्दोजहद आखिरी लम्हे तक करेंगे।